अब हम देखेंगे फाइंडिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, है ना। एमएस वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को आप कहना चाहिए सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सुविधा आपको एमएस वर्ड में आपको मिलती है, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको करते हैं, उसके लिए आपको आपको कहना चाहिए आपको होम टैब में जाना पड़ेगा। होम टैब के अंदर में एडिटिंग ग्रुप है, है ना। एडिटिंग ग्रुप में आपको फाइंड, रिप्लेस, है ना, सेलेक्ट, एडिटिंग, इतने सारे ऑप्शन मिलता है। आपको फाइंड में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पेन, नेविगेशन पेन ओपन होगा और यहाँ पे आपको जिस भी वर्ड को सर्च करना है, ठीक है, आप यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे ऐसे करके इस पेन में। उसके बाद जो भी आप टाइप करेंगे यहाँ पे, वो होना चाहिए राइट साइड में, वो वर्ड आपका हाईलाइटेड होते जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो वर्ड है, है ना, या फिर चेंजिंग जो वर्ड है, चेंजिंग वर्ड को मैं कहना चाहिए क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे चेंजिंग लिखा तो जहाँ जहाँ पे चेंजिंग वर्ड लिखा है हमारे डॉक्यूमेंट में, वो उन सभी जगह पे कहना चाहिए हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखो, जहाँ जहाँ पे चेंजिंग वर्ड मिला है डॉक्यूमेंट में, वहाँ वहाँ पे कहना चाहिए हाईलाइट हो गया है। फिर एडिटिंग में ही आप करना चाहिए, आप जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइंड में ये है ना बटन में क्लिक करेंगे एडवांस, है ना, एडवांस फाइंड। तो इस तरीके से आपका फाइंड एंड रिप्लेस का एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आप फाइंड में जो चीज़ आपको फाइंड करना चाहते हैं, है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे उसको। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर्मेटिंग, है ना, फॉर्मेटिंग जो वर्ड है उसको मुझे सर्च करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग जो वर्ड है ना, जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, वो कहना चाहिए फाइंड होते जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए फॉर्मेटिंग ये वर्ड सर्च हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहना चाहिए, हम एडवांस सर्च का भी, एडवांस फाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, फॉर्मेटिंग। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिंग वर्ड लिखा है डॉक्यूमेंट में, वो सभी कहना चाहिए यहाँ पे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से एडिटिंग में आप ग्रुप में जाके फाइंड का ऑप्शन का, या फिर आप एडवांस फाइंड का ऑप्शन का यूज़ करके आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे जो वर्ड है वो, ये देखो, है ना, वो मिलते जाएगा आपको, है ना, सर्च होता जाएगा, ठीक है। ये देखो, आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, है ना, रीडिंग हाईलाइट करके, ऐसे करके जहाँ जहाँ पे आपका जो खोजे गए वर्ड है वो कहना चाहिए हाईलाइट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम फाइंड करते हैं।